अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भी तो जरूरी है भाई। हम सब आज परमात्मा की कृपा से भगवान राम के काल में आज ऐसा हो रहा है कि जब यहाँ भाजपा के राम भक्तों का ऐसा स्वागत हुआ तो राम जी के काल में क्या हाल हुए होंगे। माहौल बनाया है वो हम सबको दिखाई दे रहा है। 13 मई आई और कांग्रेस अपनी ओर से यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान महेंद्र सिंह सोमन जी, यहाँ की विधायिका श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी, यहाँ हमारे जिले के सभी विधायकगण माननीय राजेश सोनकर जी, माननीय मनोज चौधरी जी और हमारे जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, राजेश यादव जी, सैंधव जी, सब मित्रों के साथ जोरदार तालियां बजाए और जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाए। दुश्मन बहुत चालाक है, जैसे रावण ने छल से माता सीता का अपहरण किया था उसी का रूप ये छल से हमारे लिए कांग्रेस ही कुछ करने वाले हैं। लेकिन राम भक्त होशियार रहे, इस बार लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने देंगे। बोलो सब तैयार है? अपने हाथ उठाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, जब तक कि आखिरी एक एक वोट भी पड़ जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। बोले भारत माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, दोनों मैया की, छपरे छिपरे महारानी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा, का सैलाब बता रहा है कि भाजपा में पूरा माहौल बन चुका है, मोदी में माहौल बन चुका है। देवास साजापुर सीट आज जो रोड शो हुआ, भूतों न भविष्यति ऐसा ऐतिहासिक रोड शो हुआ है। मेरे साथ हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, यहाँ की विधायिका श्रीमती गायत्री पवार, हमारे विधायक मनोज चौधरी, हमारे प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी जी। अभिनंदन किया आप सबका, देवास जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार, आप सभी बंधुओं का हृदय से आभार। भारतीय आपका स्वागत।
भी दशा होने वाला। कांग्रेस कोई छल करे, छल करे। आप कितनी 29 में से कितनी 29 की 29 बार सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेसियों की छाती फटी जा रही है, क्या कहेंगे? ठीक, धन्यवाद।